चिरांग जिला में सेना द्वारा बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के जखीरा बरामद। हथियारों से मुक्त बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के लिए ट्राइब के बीच चिरांग में सेना, असम पुलिस, 210 कोबरा बटालियन और 6 बटालियन एसएसबी के साथ असम के चिरांग जिले में हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। खुंकरिंग से उत्तर में लाल पठार इलाके में अवैध हथियारों और गोला बारूद की मौजूदगी की सूचना के आधार पर एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। मेटल डिटेक्टर द्वारा 12 दिनों की खोज के बाद एक संदिग्ध स्थान देखा गया, जिसमें सेना और पुलिस द्वारा खुदाई करने पर निजी हथियारों और गोला बारूद का एक छिपा हुआ खेप बरामद मिला। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ग्रेनेड, आरपीजी व मोर्टार बम शामिल है। बरामदगी करने के बाद स्थानीय पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रयास जारी है। बरामद हथियारों का उपयोग असम के बीटीआर क्षेत्र में अशांति और तनाव पैदा करने के लिए किया जा सकता था। जिले में हथियार और गोला बारूद की भारी मात्रा का पता लगाने में सेना और पुलिस की यह दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकवादी संगठन द्वारा किसी भी बड़ी एंटी नेशनल गतिविधि को रोकने के लिए ऑपरेशन की सफलता एक लंबा रास्ता तय करेगी। ये बीटीआर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का बढ़ावा देगा। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए कोकराझार से गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट।